हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, वर्ग तीन के फाइनली आपके नियुक्ति आदेश आ चुके हैं। उसी संबंध में आपके काफ़ी सवाल आए हैं। बहुत से लोगों की चॉइस फिलिंग तो हुई, लेकिन नियुक्ति लिस्ट में नाम ही नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर, शपथ पत्र का जो एक प्रारूप होता है वो हमारे आदेश में नहीं है। बहुत से लोग जो कह रहे हैं कि भैया, ये हम कहाँ पर देखें, क्योंकि हमें पोर्टल ही नहीं मिल रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। साथ में बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं, हालांकि लिस्ट दी गई है, तो वो भी मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ये आपके संघर्ष की सबसे बड़ी जीत है। तो चलें पहले आपके जो क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं। नियुक्ति आदेश कहाँ पर मिलेंगे? आपको गूगल पर यही टाइप करना है, एजुकेशन पोर्टल 2.0। और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको क्रम से पूरे नियुक्ति आदेश देखने को मिल जाएंगे। जैसे प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश भाग एक जिला रतलाम, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश भाग दो जिला रतलाम, ऐसे आपको नंबर से सभी मिल जाएंगे। तो आप जिस जिले में आ रहे हैं उस जिले का ओपन करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि बहुत से लोगों ने चॉइस फिलिंग तो की, लेकिन उनका नाम नहीं आया। दोस्तों, चॉइस फिलिंग में दो तरह की कैटेगरी थी। एक तो थी आपकी वेटिंग कैटेगरी, उनसे भी चॉइस फिलिंग कराई गई है और उनके जो नाम थे वो वेटिंग में रहेंगे। उनकी वेटिंग तब क्लियर होगी जब कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है या किसी कारण से किसी के डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए जाते हैं, तो उस आधार पर जो है आपकी वहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। और ये आप निष्फिक्र रहें कि आपकी जो वेटिंग है वो क्लियर होनी ही होनी है, क्योंकि बहुत से लोग ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि वर्ग एक और वर्ग दो में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या फर्जी पाए जाते हैं, तो उनकी जगह आपका क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपका जो है वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि हमारे जो नंबर हैं कहीं हमसे कम नंबर वाली की नियुक्ति लिस्ट में नाम तो नहीं है। और ये देखते समय ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपकी जो कैटेगरी है, यानी कि आप गेस्ट से हो, महिला हो, दिव्यांग हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, EWS हो, इस तरह के जो रिजर्वेशन है उसमें हो सकता है कि आपसे कम नंबर वालों का हो रहा है या नहीं हो रहा हो, तो वो आपको देखकर फिर देखना है। जैसे मान लो कि कोई गेस्ट टीचर है, कोई महिला है और EWS है। अब मान लो कि EWS भी है, गेस्ट भी है, महिला भी है, तो उसकी जो नंबर है वो कम है, लेकिन आप सिर्फ महिला हो और देख रहे हो कि कम नंबर वाले का हो गया, हमारा नाम क्यों नहीं आया, तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा ही होगा। तो अपनी कैटेगरी में देखें, यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट में आ रहे हैं, EWS में आ रहे हैं, अतिथि शिक्षक रिजर्व, क्योंकि ये सभी रिजर्वेशन है, ये दिव्यांग रिजर्वेशन में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो बहुत से लोगों के यदि नाम नहीं आए हैं तो आपका नाम वेटिंग में हो सकता है, क्योंकि ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा के और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन, उसके बाद जो है स्कूल चॉइस फिलिंग कराई गई थी, वो उन लोगों भी शामिल थे जो कि वेटिंग में थे और वो लोग भी शामिल थे जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी। तो यदि आपका नाम नहीं आया है तो आपको दो काम करने हैं। पहला तो ये देखना है कि हमारी कैटेगरी में जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है, उसमें हमसे कम नंबर वाले का नाम तो नहीं आ गया। यदि आ गया है तो आप बिल्कुल जो है उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं DPI में, क्योंकि DPI स्वतः ही कहता है कि यदि कहीं से कहीं तक आपको कुछ भी विसंगतियाँ लगती है तो डेफिनेटली आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आपत्ति जायज होना चाहिए तभी ऐसा करें। अब आगे चलते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए ज्वाइनिंग के लिए जिनके नाम आए हुए हैं। तो उसके लिए दोस्तों क्यों ना पहला जो नियुक्ति आदेश है वही खोल लिया जाए, क्योंकि नियम तो सभी में सेम है। तो चलो इसे ओपन करते हैं। और इस तरह से ये ओपन हो गया। अब आपका ये नियुक्ति आदेश ही है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पोर्टल से आप डाउनलोड करेंगे, ये आपका ज्वाइनिंग लेटर नियुक्ति आदेश ही कहलाता है, ठीक है। तो इसमें सब नियम लिखे हुए हैं, लिस्ट डली हुई है, तो इसका आपको जो है प्रिंट आउट निकलवा लेना है और ये हमेशा आपके काम आएगा। आगे चल के यदि आपके प्रमोशन होते हैं तब भी ये आपके काम आएगा। तो इसको हमेशा अपने पास सिक्योर रखें, जब तक आप गवर्नमेंट जॉब वर्ग तीन कर रहे हैं हमेशा इसको अपने पास संभाल कर रखें। अब इसमें हम नियम तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आप यदि नियम देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 और पेज नंबर 13 है ये, और इसमें जो भी आपके आदेश है नियुक्ति आदेश, अब नियुक्ति आदेश यही है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए आपको,
है ना, करंट के ले जा सकते हैं, या आपने जो भी अपलोड में लगाया वो ले जा सकते हैं। इसमें नहीं पढ़ना कि सर हमारे पास वो नहीं है तो क्या हम नए फ़ोटो ले जा सकते हैं या हमारे पास, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना। यदि नए भी हैं तो वो भी ले जा सकते हैं, आपके पास फ़ोटो होना चाहिए कुल मिलाकर। आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मीन्स आपके जो MP ऑनलाइन पर जो भी आपकी प्रोफाइल बनी है वो हो। अब बहुत से भाई बहन कहेंगे सर बंद हो गया, तो भैया जो है वो ले जाना। वैसे तो आप DO ऑफिस जाकर चेंज करवा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस तो होगा ही होगा, क्योंकि ईमेल एड्रेस बंद नहीं होता। आगे चलें, जाति प्रमाण पत्र, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए यदि उसके अंतर्गत आए। सक्षम स्तर पर जारी किया गया अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, फिर स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर EWS का नवीनतम प्रमाण पत्र, ठीक है, EWS भी चाहिए, और जो वैलिड हो वही चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है नवीनतम आय प्रमाण पत्र, और वो भी इसमें दिया गया है। आप देखेंगे परिशिष्ट एक में, वो मैं बता दूंगा कि कहाँ पर दिया गया है। संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र परिशिष्ट बन, ये किसके लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, है ना। एक एक पॉइंट को आपको समझना है ध्यान से, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, सभी के लिए नहीं। फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा मध्य प्रदेश का। अब जो अदर राज्य वाले हैं उनका कोई भी मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं लगना है, नहीं तो एक कन्फ्यूजन और होता है कि सर हम भी लगाना है क्या। आप यदि अन्य राज्य के हैं नहीं लगाना है, सिर्फ मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को ये प्रमाण पत्र लगाना है। स्थायी निःशक्त जन दिव्यांग प्रमाण पत्र न्यूनतम 40% स्थायी दिव्यांगता का, मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थी की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है, तो वो आपको चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, 200 दिन और 3 सत्र वाला दोस्तों, जिन अभ्यर्थी की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सर हम अतिथि नहीं थे लेकिन गलती से जो है एस हो गया है, तो आप जो है सामान्य वर्ग में माने जाओगे, अतिथि में नहीं माने जाओगे, तो वो भी चिंता न करें। यदि बिना अतिथि प्रमाण पत्र के आपके हो रहा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो आप बाहर रहोगे, ठीक है, यदि गलती से हो गया है। शासकीय सेवक की स्थिति में NOC चाहिए, अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग की प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की प्राप्ति प्राप्त चाहिए, है ना। आपने वहाँ पर जो है रिजाइन दे दिया है, उसकी प्राप्ति भी जमा कर देंगे तो अभी मान हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको NOC देनी ही पड़ेगी। अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अब शैक्षणिक प्रमाण पत्र क्या होते हैं, जैसे आपने 12वीं की है, ग्रेजुएशन किया है, DEd BEd जो भी किया है वो शैक्षणिक प्रमाण पत्र। पर्पस एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड, अब ये आपको ऑनलाइन नेट से निकलवा सकते हैं, जिस पर आपने अपना रिजल्ट देखा था, ठीक है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं सर हमें जो संलग्न शपथ पत्र बनवाना है नोटराइज्ड, वो नहीं मिल रहा है, तो वो भी इसमें दिया गया है परिशिष्ट टू में दिया गया है। यानी कि आप दोनों देखेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग का परिशिष्ट वन में दिया गया है, संलग्न शपथ पत्र जो नोटराइज्ड कराना है वो परिशिष्ट टू में दिया गया है, तो वो भी मैं बता दूंगा। अब इसके बाद आप ये ध्यान दें, 7वां पॉइंट जो है, नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये आपका जो कल जारी हुआ है नियुक्ति आदेश जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो जारी होने के 15 दिवस के अंदर आपको ये दोनों काम करने हैं, मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, है ना। और आप ज्वाइनिंग के बाद ये आराम से कर सकते हो, पहले नियुक्ति ले लें उसके बाद ये कार्रवाई करें, और अपने जो केंद्र अध्यक्ष हैं जो भी आपके अधिकारी हैं उन्हें सूचित करके ये कार्रवाई करें। ऐसा नहीं कि आप गैर हाजिर हो जाएं, गैर हाजिर नहीं होना है, उन्हें सूचना देके उनसे प्राप्ती लेके फिर आपको मेडिकल के लिए जाना है या पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाना है, जो भी नियम है वो कार्य करना है। ऐसा नहीं कि मुख्यालय पर उपस्थित हो गए और फिर गायब हो गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप जैसे देखेंगे ना, नोटिस दिए जाए मैंने पहले बार में, यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेगा तो ये माना जाए कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिए सेवा छोड़ दी है, तो ये नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, ये नहीं करना है। अनुमति लेकर ही आपको ये सब काम कराने, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ऊपर परिशिष्ट वन की बात कही गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी घोषणा पत्र, है ना, तो वो ये है जो आपके पेज नंबर 15 पर दिया गया है, ठीक है, तो इसे आपको भरना है, ठीक है। अब इसके बाद जो बहुत से भाई बहन ये कह रहे थे कि हमें शपथ पत्र नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है,
तो ये वो शपथ पत्र है जिसकी नोटराइज्ड आपको कराना है। ऊपर फिर से नियम मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ही नियम अलग अलग हैं। हम यहाँ पर चलेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देखें, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणाबद्ध परिशिष्ट वन, ये किसके लिए हो गया? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। आय प्रमाण पत्र भी चाहिए और जो प्रारूप दिया गया है परिशिष्ट वन में वो भी चाहिए। अब आप सबसे नीचे देखेंगे, संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड परिशिष्ट टू, तो ये सभी के लिए है। ये किसके लिए था? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के काम की चीज़ है। लेकिन जो परिशिष्ट टू में दिया गया है संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड, वो सभी के लिए है। अब दोनों ही यहाँ पर दिए गए हैं, परिशिष्ट वन जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी घोषणा पत्र के रूप में है तो वो ये भरना है, और परिशिष्ट टू जो सभी के लिए है इसकी नोटराइज्ड आपको करानी है। नोटराइज्ड कहाँ होती है? आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के बाहर जो बैठे रहते हैं टाइपिस्ट वो कर देंगे, ठीक है। तो ये नोटराइज्ड आपको करानी है। इसमें शपथ पत्र है कि मेरा चयन हुआ इस पद पर, तो वो लिखना है। यह है कि मेरा चरित्र उत्तम है, ये सब चीज़ें इसमें दी, यानी कि कंडीशन है जो आपको माननी है, ठीक है। और यहाँ पर पूरी कंडीशन आप मानते चले जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि मैं शपथ करता हूँ कि उपरोक्त जो चीज़ें बताई गई हैं वो सब मैं मान्य करता हूँ, या उसमें से कोई भी गलत पाया गया, कोई भी नियम जिसमें पालन नहीं करता हूँ तो मेरी नियुक्ति जो है तत्काल रूप से रद्द कर दी जाए। यहाँ पर आपका फोटो लगेगा, तो इसकी नोटराइज। तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर शपथ पत्र मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा होता तो नहीं है, फिर भी आपके सामने, क्योंकि मैंने अभी ये खोल कर देखा तो परिशिष्ट टू यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इस हिसाब से आई थिंक ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आप तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए, इतना कठिन कंपटीशन आपने पार किया है, तो ये जो नियुक्ति आदेश है वो समझना आपको कहाँ मुश्किल होना है। हालांकि मैं सभी नियम पढ़ रहा हूँ दोस्तों, तो ऐसा लग रहा है कि मैं सूरज के आगे दीपक जलाकर खड़ा हुआ हूँ, आप स्वयं सूरज हो, और वो आपने प्रूफ भी किया है कि इतना कठिन कंपटीशन वर्ग तीन का, जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग डिस्क्वालीफाइड हो गए थे, वहाँ आप क्वालिफाइड भी हुए और मेरिट में भी आए, और आप गवर्नमेंट टीचर बन चुके हो। तो ये जो आदेश है आपके लिए समझना इतना आसान है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि मुझे लगा कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ ना कुछ डर है अपने मन में। और एक कहते हैं ना कि सोर्टी नहीं होती कि हम जो सोच रहे हैं या हम जो समझ रहे हैं वो सही है कि नहीं है। आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह, और सब कुछ आपके नियमों यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। अब लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा दोस्तों, कि आप शिक्षा जगत से जुड़े लोग हो तो कमेंट बॉक्स में अपने संघर्ष का अनुभव लिख सको तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आगे चल के आप जैसे ही बहुत से लोग वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन की एग्जाम देने वाले हैं, तो जो आपके कमेंट होंगे, आपका जो संघर्ष होगा ना, उनके बड़े काम आएगा। यानी कि एक मार्गदर्शक का काम आपको आज से ही शुरू करना है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। और यहाँ पर अतुल कुमार शर्मा के चैनल को श्रेय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। ये आपका संघर्ष है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है, और उसी से ये उपलब्धि हासिल हुई है। तो बहुत से लोग जाते हैं कि अतुल कुमार शर्मा जी आपकी वजह से ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लगन और मेहनत की वजह से संभव हुआ है, आपके माता पिता के आशीर्वाद से संभव हुआ है, क्योंकि उनके संस्कार आप में हैं जो आज आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। तो एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद।